नमस्कार दोस्तों, मैं राम लल्लू जी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज हमने देखकर आप समझ गए होंगे कि आचार्य अधिकतर हमारे शहर बीना में आने वाली हैं और उनका प्रोग्राम यहाँ पर है, तो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। और वीडियो को अंत तक सेटअप इस तरीके से तैयार किया गया है पूरा स्टेज, और इसी स्टेज पर कुछ ही घंटों में यहाँ पर नहनाज अख्तर और लगभग बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं आपके साथ मिलकर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे इंतजार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और शहनाज अख्तर जी पधार चुकी हैं स्टेज पर, और कुछ ही देर में कार्यक्रम होने वाला है शुरू। अभी चल रहा है पूजा पाठ, तो थोड़ी देर वेट करते हैं और पूजा पाठ होने के पश्चात लेते हैं भजनों का आनंद। तो बने रहें अंत तक और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी हमारी इस वीडियो को देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शहनाज अख्तर जी के भजनों को सुनने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। सुने हैं शहनाज अख्तर जी, सुने उनका अभिवादन और देखें वीडियो और सुनते हैं आने जय भवानी। अरे बापरे, आपकी आवाज़ तो मुस्तक नहीं पहुंची, भवानी तक कैसे पहुंचेगी? बिठाएंगे से भी दोनों हाथों को ऊपर, ये बात है, थोड़ा सा बोकल बना दीजिए। हाँ, उठाएंगे उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, क्या बात है। अब मेरे साथ सभी एक साथ बोलेंगे जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ये बात आइए, सर्वप्रथम महामाई के पावन दरबार में, माता शीतला के पावन दरबार में आप सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का, माता बहनों का, बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का, बच्चों का, मैं शहनाज श्री श्री माहिलास देवी जागरण ग्रुप जबलपुर मध्य प्रदेश की जानिब से माँ भगवती के दरबार में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आइए माँ जगत जननी, जग की पालनहार, जग की कर्ता धर्ता, जग की खेवैया, अपनी ज्योति के नूर की रोशनी से सारे जहां को रोशन करने वाली माँ आदिशक्ति माँ जगदम्बा का गुणगान करने से पहले आइए हम सभी वंदन करें हमारी भारत भूमि का, जहां पर हम निवास करते हैं। तो उठाएंगे सभी दोनों हाथों को ऊपर और एक बार ज्यादा वंदना लेते हुए चलेंगे हम सभी महामाई के दरबार में हाजिर लगाने के लिए। तो उठाइए सभी दोनों हाथों को ऊपर, हाथ उठाने में दर्द तो नहीं हो रहा ना? अपनी हाजिरी लगाने के लिए तो उठाएंगे सभी दोनों हाथों को ऊपर और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे माँ शेरावाली का। जयकारा शेरावाली का, बहुत सच धर्माने के। और सभी से अनुरोध है यहाँ महामाई के दरबार लगा हुआ चप्पल जूते पहनकर ना आए ऊपर, है ना, और चप्पल जूते नीचे कर दें क्योंकि मंदिर है यहाँ, साक्षात भवन की जोत जल रही है, अच्छा नहीं लगता। हम अपने घर में मंदिर में भी चप्पल जूते पहन के नहीं जाते। दोस्तों, मैं कॉपीराइट की वजह से आपको पूरा परफॉर्म नहीं दिखा सकता गाने का, लेकिन थोड़ा बहुत शॉर्ट में दिखा दिया, और इसमें भी कुछ मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी रिस्क लेकर मैंने इतना तो कर ही दिया आप लोगों के लिए। तो चलिए एंजॉय करिए हमारे साथ। ठीक है, एक हाथ ले, एक हाथ दे। मैं आपको भजन सुनाते जाऊंगी, आप तालियां और जयकार करते जाएंगे, ठीक है? करने के नहीं करेंगे, नवरात्रि चल रही है, भक्ति से हमको चूकना नहीं है, हमको पूरे लॉकडाउन 2 साल की पूरी कसर आज ही निकालना है, ठीक है? 2 साल में कुछ करके नहीं मिला, लेकिन आज हम यही भक्ति में झूमेंगे, ठीक है? 3-4 नवरात्रि बीत गई लेकिन हमने कोई भक्ति नहीं करी, लेकिन आज ये बीना पूरा झूम जाना चाहिए। झूमे क्या नहीं? मोबाइल तो ऐसे पकड़े आपने, ऐसा लग रहा है जैसे एक हाथ मोबाइल।
मोबाइल में और दूसरा जेब में। जेब से पैसे चोरी जाने का डर तो नहीं है ना, पक्का? चलिए जय कर हमारी सांची दरबार देखिए। दोस्तों लोगों के अंदर एक खास जुनून दिखा जो कि एक बाकी अलग बात है, काफ़ी अच्छा उत्साह दिखा और बहुत ही मज़ा आया हमें इस प्रोग्राम को अटेंड करने में। शहनाज अख्तर जी की आवाज़ में वो जादू है कि कुछ बोला नहीं जा सकता, एकदम पर औसम साउंड और अच्छा फील आता। गाइज अभी मैं खड़ा हूँ सर्वोदय चौराहे पर और आप देख सकते हैं यहाँ से अटल मंच कितनी दूर है, वहाँ तक पूरे रोड पर बिल्कुल खड़े हैं लोग, कहीं भी घुसने के लिए भी जगह नहीं है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ उपस्थित हुई है इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को यहाँ पर सब